Hi guys, welcome back to my channel. It's Divya. So, आज 24th है and कल 25th मार्च है और कल मेरा 29th birthday है. So, बस अब इसी चीज़ के मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा बहुत vlogging कर लेती हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं अपने birthday पे क्या कर रही हूँ. एंड मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मुझे बर्थडे पे क्या करना है क्या नहीं, बस थोड़ा सा ग्लो अप करके थोड़ा सा अपने आप को खुश वश रखने की कोशिश. एंड बस एंड अभी फ़िलहाल आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर डन. आई डोंट नो कि मैं हेयर कलर में क्या लेने वाली हूँ, थोड़े से चेंजेस करने हैं मुझे, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करने वाली हूँ. कि मैं थोड़ा सा मतलब मैं ब्राउन टोन्स में जाऊँगी या मेरे को थोड़ा सा गोल्डन ऐसे ब्लॉन्स नहीं पसंद है, तो मैं जाऊंगी तो ब्राउन की साइड, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करने वाली हूँ. तो फिलहाल मैं सैलून जा रही हूँ, अपने हेयर डन करती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं फिर मुझे क्या क्या करना है. हाँ तो फिर चलो, फिर लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो. अभी तो फिलहाल बालों का हाल कुछ ऐसा ही है, तो मेरा जो प्रीवियस कलर था वो थोड़ा नीचे आ गया है, तो लेट्स सी अब मैं क्या करती हूँ. तो इन्होंने मुझे अभी बालयाज रेकमेंड किया है और मैं अभी वही देख रही हूँ. मतलब अभी तो इन लोगों ने स्ट्रीक्स दे दिया है और अब इसको डिटैंगल कर रहे हैं एंड देन उसके बाद इसमें कलर डिपॉजिट करेंगे. तो अभी इसमें ये लोग ब्राउन कलर डिपॉजिट कर रहे हैं एंड आई होप ये अच्छा लगे. चलो देखते हैं इसका ओवरऑल लुक. फ़िलहाल तो ये मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड ज़्यादा लाइट भी नहीं लग रहा है बिकॉज मुझे गोल्डन टोन्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है. तो देखते हैं अब. सो इन नाइट टाइम माई हेयर लुक्स लाइक दिस. ये थोड़े से ज़्यादा अभी एशी लग रहे हैं, ये थोड़े से डार्क है बट इसमें थोड़ा लाइट लग रहा है लाइट में. तो रात को कुछ लाइट में ये ऐसे लग रहे हैं और दिन में ये थोड़े ब्राइट लगते हैं. रात को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कैमरे में ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं बट इतने सामने से नहीं है, सामने से इतना ज़्यादा लाइट कलर नहीं है बालों में. तो आई काइंड ऑफ लाइक इट. एंड कल तक मेरा अगर थोड़ा माइंड चेंज हुआ तो मैं इसको थोड़ा टोन अप करा लूँ, थोड़ा डार्क टोन में डाल दूँगी, बट अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है. एंड मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपना कुछ भी तैयारी करने का. एंड अब मैं सोच रही हूँ मैं बर्थडे ग्लो अप करने के लिए, मैंने सोचा था मैं पहली कर लूँगी आज दिन में, बट मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला. तो मेरे बर्थडे के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे एंड अब मैं अपना ग्लो अप स्टार्ट कर रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपना मुँह धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा अच्छा सा फेशियल वेशियल करके देन देखते हैं. सो अभी फेस वॉश करके मेरी स्किन कुछ ऐसी लगी और मैंने चेंज भी कर लिया है. मैं ये ऑक्सी प्लास का फेशियल किट लाई हूँ, अब देखते हैं कि ये कितना असर करता है. वैसे मैं फेशियल वेशियल करती रही हूँ तो मैंने कहा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए एंड देखते हैं कि कैसा है. देन मैं इसको देखती हूँ रिकमेंड करूँगी नहीं करूँगी, तो आज देखते हैं ट्राई करते हैं एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो ये कुछ 7 steps है इसमें. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस जेल. इसको पूरे फेस पर लगा के अच्छे से क्लीन कर लेना है स्किन को. थोड़े से कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, थोड़ा मिंटी मिंटी टाइप का फीलिंग आ रहा है. स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड वाले ऑप्शन पे, विच इज पीएल. ये आपको अप्लाई करना है, आप इसको चाहो तो स्टीम के साथ यूज़ कर सकते हो. अगर आप इसको स्टीम के साथ मसाज करना है इसको 2 मिनट्स के लिए, और अगर स्टीम के साथ नहीं कर रहे हो तो आपको ये बिना स्टीम के 3 मिनट्स के लिए मसाज करनी है, जैसा भी आपको सही लगे. तो मैं तो बिना स्टीम के ले लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा स्टीम अपनी स्किन पर यूज़ करती हूँ, तो मैं बिना स्टीम के 3 मिनट के लिए आई मसाज है. ग्रीन इन कलर, मिंट ग्रीन, इट टेंकल्स लिटिल बिट बट ठीक है, आई एम ओके विद इट. आपको जो भी आप करो बस आप ये मत भूलिए कि आपको अपने नेक तक वापस लेके आना है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि अनइवन सा फील हो या अनइवन सा लगे, आपका फेस थोड़ा सा क्लीन हो जाए ना आपका नेक ना हो. सो आप बिल्कुल अपना नेक अवॉइड ना करें. मेरी स्किन ऑलरेडी बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि काफ़ी इससे ही ज़्यादा क्लीन लग रही है एंड मैं डायरेक्टली कल भी स्टील भी लगी हूँ. सो मैंने वही अपना पैड गर्म पानी में डिप करके उसको अच्छे से सोक कर लो, अच्छे से उसको सोक करके देन आप उसमें से थोड़ी सी हीट ले सकते हो. मैं इस तरीके से ही हीट लेती हूँ, मैं डायरेक्ट हीट कभी भी लेती हूँ तो सूट नहीं करती है. एंड मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो देर इज़ नो चांस अपने पोर्स और खुलने के लिए. अगर आप स्टीम देते हो तो आपके पोर्स ऑलरेडी और ज़्यादा खुल जाते हैं. नो से
तो ये मैंने ट्वीज़र रखा था, ये मैं पानी में डप करके, गर्म पानी में डप करके काफ़ी देर के लिए रख देती हूँ सो दैट ये क्लीन हो जाए अच्छे से। एंड अब मैं थोड़े से अपने वाइट हेड्स निकालती हूँ एंड देन आगे के स्टेप करेंगे। तो मैंने अपने सारे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स निकाले हैं, ये जो दिख रहा है ये सारे निकले हुए हैं, बट कोई बात नहीं, ये अभी थोड़ा सा ऐसे बम्पी हो रहा है, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ बट ये वो ऐसे करके ट्वीज़र से हो ही जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही, तो एक दो है वो तो रहेंगे एंड मैं उनको फोर्स करके ऐसे फोड़ना ही चाहती हूँ, उसके मार्क आ जाएंगे। लेट्स जंप इनटू द थर्ड स्टेप, ये स्किन ऑक्सीडेटर है एंड ये क्लोशर है, तो ये ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर रहा है। ये फोर्थ स्टेप है एंड ये सीरम है एंड इसे पूरा फेस पे लगा के मसाज कर लेना है, हटाना नहीं है, बस अप्लाई करना है, मसाज करनी है इससे फेस पे बस। एज यू कैन सी मैंने मसाज कर करके इसको पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है स्किन में, और हम जब भी मसाज करेंगे हमेशा अपवर्ड्स। ये मास्क है एंड हमें ये पूरा अप्लाई कर लेना है फेस पे, और इसमें लिखा है कि अपनी नाक में से कट डाल लेना ताकि आप सांस ले पाओ, एंड इसके बाद आपको स्टीम लेनी है 3 या 5 मिनट तक एंड देन उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए रखना है। ना मैं इसको 15 मिनट के लिए रखती हूँ एंड थोड़ी सी स्टीम ले लेती हूँ, मैं एक मग में पानी डाल के उसे 2 मिनट के लिए स्टीम ले लूँगी, आई एम नॉट अ स्टीम पर्सन, तो मैं स्टीम लेके देन इसे 15 मिनट रखती हूँ एंड देन नाउ द क्रीम एंड इसको लगा के मसाज करना है फेस पे बस अपवर्ड स्ट्रोक्स में, एंड इसमें हाथ गीले करके आपको बस फेस पे मसाज करनी है, बस यही लिखा है। आप चाहे तो जूस में भी डिप कर सकते हैं हाथ को, बट मैं प्रेफर पानी ही करूँगी, सो दैट्स इट। मैं थोड़ा सा पानी ही ले लेती हूँ हाथ में, मैं क्लीन कर लिया है, मुझे अभी से ही स्किन में काफ़ी फर्क है। वाह, नाउ मास्क की बारी है एंड इसको लगा के आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ओके, वेट करते हैं फिर। तो अब मेरा फेस वॉश करने के बाद लुक सुपर क्लीन एंड अब इसके बाद मैं, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन काफ़ी हो गई है, तो इसके बाद मैं ये पॉन्स लाइट जेल लगाऊंगी। हाइलुरोनिक एसिड आप किसी भी चीज़ के बाद लगा सकते हैं, ये हर चीज़ के ऊपर सूट कर जाता है, तो मैं थोड़ा सा यही लगा रही हूँ एंड अभी के लिए नाइट टाइम रूटीन मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी, ब्रश करूँगी बस दैट्स इट, और बाकी मैं सारा कल अपना पैम्परिंग करूँगी, ये भी आई विश सुबह तक चले जाए। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड इट्स माय बर्थडे, सो बस अब हम अपना ग्लो अप स्टार्ट करते हैं एंड मुझे कुछ स्क्रब करना है बॉडी को अच्छे से एंड मेरे को शेप करूँगी मैं बॉडी को एंड मैं सोच रही हूँ बाल को थोड़ा टोन अप करवा ही लेते हैं, थोड़ा सा डार्क करवा लेते हैं, वैसे ऐसे भी बुरे नहीं लग रहे बट मुझे थोड़े से और डार्क चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा कुछ ब्लॉन्ड थोड़े से भी हो जाए तो मुझे उसके बाद लगता है कि मुझे ब्लॉन्ड करवा लेने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए। तो ठीक है फिर लेट्स गो, अपना ग्लो अप स्टार्ट करते हैं देन फिर हम सलून चलेंगे, तो चलो फिर। मैंने पूरा हाथ पे अच्छे से शेप कर लिया है, तो मैं अभी फ़िलहाल एम कैफिन यूज़ कर रही हूँ और मुझे यही पसंद है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ स्पेशली इन गर्मी।
तो अच्छे से स्क्रब करूँगी मैं, एंड देन मैं पूरी बॉडी अपनी स्क्रब कर लूँगी। ऐसा नहीं आपको बहुत हार्शली करना है, सॉफ्ट सॉफ्टली सर्कुलर मोशन में अच्छे से आप डेड स्किन निकाल लीजिए। देन आई एम गोना पुट दिस माय फेवरेट वनीला एंड कोकोनट ऑयल, अपनी पूरी बॉडी नरिश करूँगी। मैं फेवरेट ऑयल और आज तो लगाना पड़ता ही है। इन द लास्ट मैं ये मैक का लिप स्क्रब यूज करूंगी जस्ट दिस मच, एंड इसको 2 मिनट के लिए अपने लिप पे स्क्रब करूंगी ताकि सारी डेड स्किन हट जाए। आफ्टर 2 मिनट्स I'm gonna remove, और अब मैंने हटा लिया, अब मैं लिप बाम लगा लूंगी। I'm gonna put this pond cream, मैं थोड़ा सा लेके लगा लूंगी। देन मैं ये अपना सनस्क्रीन देन मैं अपना लिप बाम और बस हो गया। एंड देन अब मैं अपने नेल पेंट लगाती हूँ। फर्स्ट मैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा लूँगी ताकि उससे थोड़ा सा जो भी टेंट रह जाता है येलो वाला वो ना आए। नाउ अब मैं मैरून अपनी नेल पॉलिश लगाऊंगी। मैं मैरून ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेरे पैरों पे ठीक लगती है। लास्ट मैं अपना परफ्यूम लगाऊंगी। फाइनली मैंने डार्क टोन ले लिया है बालों में और अब मेरे बाल कर्ल हो रहे हैं, एंड दैट्स इट। ये मेरी अच्छी सी लुक होने वाली है, एंड सी नाउ ये डार्क हो के मतलब मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं, मतलब मेरे को डार्क हेयर ही पसंद है, सो आई कैन लाइक इट नाउ। इसी के साथ मेरा 29 बर्थडे ख़त्म हो रहा है और बस बहुत अच्छा दिन गया आज का। अच्छा इसलिए भी गया क्योंकि मेरा भाई यूएसए आ रखा है
और उसने मेरे लिए ये बर्थडे पार्टी थ्रो करी है. एंड मतलब नहीं भी करता तो भी सबसे ज़्यादा स्पेशल होना था ये बर्थडे, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ बर्थडे में रहा है. फर्स्ट बर्थडे मेरा ऐसा रहा है जिसमें वो मेरे साथ था. तो हमारी पूरी फैमिली आज कंप्लीट हुई, तो इससे अच्छा तो वैसे ही बर्थडे को ही जाना वाला था. और पार्टी में बहुत बहुत मज़ा आया. एंड बस थोड़ा सा मैंने अपना बर्थडे ये रूम बर्थडे के लिए थोड़ा सा डेकोरेट किया था. पीछे मेरे गिफ्ट्स है एंड मैं अपने बहुत सुंदर से नाइट सूट में आ चुकी हूँ. एंड बस इसी के साथ अब हम अपना बर्थडे व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं एंड देन हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जो कि वीडियो होगी मेरी गिफ्ट अनपैकिंग पे या अनबॉक्सिंग पे. तो जल्दी ही मैं उसको भी अपलोड करूँगी. सो बस दैट्स इट. और बस फिर इसी के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड दैट्स इट.